इंडियन पाइप ड्राइविंग 3D में फ्रैंकलिन का घर छीन लिया है बड़े बड़े डॉक्टरों ने मिलके। जैसा कि आप देख ही रहे हो तो गाइस पूरी सिटी में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने मिलके उससे फ्रैंकलिन का घर मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया, तो उन्होंने छीन लिया है। तो अभी फ्रैंकलिन बेचारा हो चुका है बेघर, ठीक है। तो फाइनली वो ना हमारे पास रहने के लिए आ रहा है। उसने बोला कि यार डॉक्टरों ने हमारा घर छीन लिया है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो अब वो हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये साइड वाला जो है हमारा ये उसको दे देंगे, क्योंकि इधर हम आते जाते तो है नहीं, ठीक है। तो अभी फटाफट से ना एक बार पहले नहा लेते हैं और उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके ना तो फटाफट से जाएंगे फ्रैंकलिन को लेने, क्योंकि वो ना एयरपोर्ट से आ रहा है जहाज से। तो ये हम फटाफट से नहाने लगे हैं, बस जितना नहाना था उतना ही मैंने नहा लिया। तो अभी फटाफट से निकलते हैं हम बाइक और करते हैं अपने कपड़े चेंज, ठीक है, क्योंकि गाइस काफ़ी देरी हो गई है, मैंने अपने कपड़े ही चेंज नहीं किए। तो ये जाते हैं अंदर और गाइस ये कपड़े चेंज करने लगे हैं। तो मैं अपनी सबसे फेवरेट वाली शर्ट डालने वाला हूँ और कैप वगैरह तो मैं डालने वाला हूँ नहीं, क्योंकि गाइस कैप मुझे अच्छी नहीं लगती। ओके सो ये टी शर्ट इधर से कोई अच्छी वाली पहनेंगे, क्योंकि यार बहुत बुरे लग रहे हैं हम इसमें। ओके तो कोई ऐसा का ये ठीक है। ओके तो फाइनली गाइस हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी जाते हैं बाग के बाहर। गाइस गेम की ना सेटिंग होने वाली है, तो फटाफट से गैराज में देखते हैं क्या कुछ है और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें किसके लिए जाना। माय गॉड गाइस मैंने ये कौन सी कार है जो इतनी अमेजिंग शाइन एंड क्या लुक आ रही है यार इसकी, क्या ही बात है अमेजिंग। सो बाइक्स भी मैंने खड़े कर रखी हैं, लेकिन यार ओ गाइस गाड़ी किधर गई, बाइक किधर गई है, ओ माय गॉड। तो गाइस यार गाड़ी और बाइक आपने देखेंगे हैं किधर गई अचानक से, मैंने तो किसी को भी कुछ भी नहीं किया, ना कुछ मैंने गलत प्रेस किया, लेकिन वो गए किधर, वो अभी भी अंदर ही है। ओके सो गाइस मुझे डरा ही दिया था, तो अभी फटाफट से ना बाग के अपने बाहर वाले से जाते हैं। यार मेरे कपड़े गीले हो गए, यार गेम को पता नहीं क्या हुआ है, गेम को पता ही नहीं क्या हुआ है। अभी फटाफट से जाते हैं टोमी के पास सबसे पहले, तो उसको बोलते हैं कि टोमी यार हम ना तेरे दोस्त फ्रैंकलिन के पास जा रहे हैं। हेलो टोमी ब्रो, क्या हाल चाल है, फिर फाट हो जी मालिक, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो टोमी यार हम ना जा रहे हैं तेरे दोस्त फ्रैंकलिन को लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने ना उसका घर छीन लिया और अब वो ना बेघर हो चुका है। तो मैं ना जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, तो तू घर से बाहर नहीं जाना और घर में ही रहना और रखवाली करना, ठीक है मालिक। फिर मैं बैठ जाता हूँ और आप जाओ स्कूल से और घर की चिंता नहीं करना, तो ठीक है भाई मैं जाता हूँ। फाइनली गाइस हमने टोमी को बोल दिया और अभी जाते हैं अपनी बाइक के ऊपर, बाइक से कोई अच्छी सी गाड़ी परचेज कर लेंगे या फिर किसी से छीन लेंगे। तो फटाफट से ना छीनी की मैं यार फटाफट से ना सबसे पहले मैं ना गैराज की लोकेशन लगा लूँगा, लोकेशन तो मुझे याद ही है, तो गैराज से जाएंगे और एक बढ़िया सी गाड़ी या फिर कोई बाइक परचेज कर लेंगे और उससे लेने के लिए जाएंगे। अभी स्पीड से हम जा रहे हैं, वाओ गाइस क्या ही डिस्प्ले मारा, और वो सामने मेरा आ चुका है गैराज, गैराज नहीं वो शोरूम, तो चलते से ही उतर जाऊंगा। सो माय गॉड, तो गाइस चलते से ही उतर गया था, लेकिन ना फिलहाल मैं गिरा नहीं क्योंकि इसमें गिरता नहीं, लेकिन मुझे चलते से उतरने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। फटाफट से आ चुके हैं और कोई बढ़िया सी गाड़ी परचेस करेंगे। तो गाइस यार ये गाड़ी मुझे पसंद आ चुकी है और मैंने कर लिया परचेस। तो गाइस यार ये बोल रहे हैं कि आपको शोरूम के पीछे से मिलेगी गाड़ी, जो भी आप बाइक किया करोगे या जो भी है। तो ओके तो फटाफट से जाते हैं शोरूम के पीछे। यार ये क्या करता है, पता नहीं क्या गेम की सेटिंग अब कर दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, यार जाते हैं इसके पीछे। तो अभी ओ माय गॉड, तो वाह गाइस क्या सेलिब्रेशन किया हमारे लिए। अभी फटाफट से भगा के जाते हैं फ्रैंकलिन के पास, ये ना हो बेचारा उधर वेट करता हो। तो ड्राइविंग भी कुछ इतनी खास नहीं है मेरी, तो पहले हाथ ही मतलब मैंने ठो के रख दी गाड़ी, तो वैसे भी ये तोड़ फोड़ करने के लिए है गाड़ी की, इसकी मैं अच्छे से तोड़ फोड़ करूँगा। तो ना लोकेशन लगा लूँ मैं एयरपोर्ट की, तो गाइस यार एयरपोर्ट तो यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, तो अभी हमें ना जाना है बिना किसी देरी के। और गाइस जो भी रास्ते में आया ना मैंने तो ठोक के रख देनी है, मैंने नहीं देखना कि गाइस सामने पुलिस वाला है या फिर कौन, मैंने तो उसके ठोक के रख देनी है, मैं उसको उड़ा दूंगा मैं फुटपाथ के ऊपर चलाने में ऐसे ही। हाँ
कैसे एक बंदा किल हो चुका है और एक स्टार मिल चुका है। तो जितने भी वो देखो पुलिस वाले की गाड़ी आ चुकी है, तो जितने भी आएंगे मैं सबको क्लिक कर ही जाऊँगा। तो काफ़ी अभी काफ़ी देर आगे जाना है हमें, तो अपनी वाली साइड पे ले लेते हैं। तो मैंने अपनी वाली साइड पे ले लिया, फुटपाथ के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे नई बात बनेगी, ये पुलिस वाला गिरी गए इसकी टांग। तो ऐसा हमें मारने के लिए आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये हमें मारने के लिए आ रहा है, मैं भी इसको टपका दूँगा। मैंने टपका दिया। तो फाइनली गाइस काफ़ी देर भगाने के बाद एयरपोर्ट मुझे नज़र आ चुका है, और वो ऊपर से टर्न होंगे और हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट और फ्रैंकलिन को पकड़ के जाएंगे अपने घर वापस। तो फ्रैंकलिन से बात करेंगे और उसको लेके जाएंगे घर। तो ये मैंने अच्छे वाले ट्रिप्ट मार दिए और वापस। ओ माई गॉड गाइस बचत हो गई, वरना पुलिस वाला ठोक के रख देता हमारी गाड़ी में, अपनी जी वैगन जो भी वैगन, हाँ मुझे नहीं पता वो उसका नाम क्या है, जो भी थी। तो इधर से ही ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सड़क से ही जाएंगे। तो इधर रुकते हैं, फ्रैंकलिन नहीं आया यार अभी तक। तो इधर पार्क करते हैं अपनी गाड़ी को। तो फ्रैंकलिन नहीं आया अभी तक, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो भाई उसको ना सबसे पहले फ़ोन कर लेते हैं, तो फ्रैंकलिन को पूछते हैं कि हाँ भाई तू किधर है, उसका फ़ोन नंबर बता। तो हेलो फ्रैंकलिन ब्रो, किधर हो यार? मैं ऊपर जहाज से तुम्हें देख रहा हूँ, तो तू सिर्फ 2 मिनट वेट कर, मैं अभी आता। ओके यार फटाफट से आ। ओके बाय। भाई यार जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी वेट करने के बाद फ्रैंकलिन आ चुका है, जहाज़ भी हमारे पास ही लैंड करवा दिया। तो वहाँ फ्रैंकलिन से जाके करते हैं बात। फ्रैंकलिन क्या हाल चाल है, ठीक हो? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। तो यार आप वीडियो देखने वालों के लिए कुछ मैसेज ही हो जाए, घर तो हम चले ही जाएंगे। तो गाइस यार आप वीडियो इधर तक देखते आ रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।